खबर है बस्ती से, जहां विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं महोत्सव में अवैध वसूली को लेकर भी खुलकर सामने आए, जिसमें विधायक द्वारा बताया गया है कि बस्ती महोत्सव में कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए के अवैध वसूली की गई है, जिसे जहां की जनता परेशान और निराश है। विधायक ने ये भी बताया कि जनपद के महोत्सव समिति के गठन में किसी भी जन प्रतिनिधि को नहीं रखा गया। जन प्रतिनिधियों को आयोजन समिति में न रखने के पीछे जिला प्रशासन की मंशा दूषित लगती है। यदि जन प्रतिनिधि बस्ती महोत्सव के आयोजन समिति में होते तो जिला प्रशासन मनमानी तरीके से चंदे के नाम पर कर्मचारियों, व्यापारियों तथा भिन्न विभाग के लाइसेंसियों से जिस तरह से चंदों के नाम पर शोषण हो रहा है, शायद ना होता। क्या शासन द्वारा बस्ती महोत्सव के आयोजन हेतु अलग से कोई बजट निर्धारित किया गया है? यदि नहीं तो दिनांक 28 जनवरी 2020 से 1 फरवरी 2020 तक महोत्सव में होने वाले व्यय का भार कौन निर्वहन कर रहा है? बस्ती से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। पार्टी का नारा है भूख भ्रष्टाचार से ये सरकार मुक्त कराएगी। मेरा अपना प्रयास है कि जनता के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बस्ती महोत्सव का विरोध उसकी अवैध वसूली के नज़र से मैं कर रहा हूँ। बस्ती महोत्सव को अगर सरकार अनुमति दे के करा रही है, शासन उसका पैसा दे रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरीके से बस्ती महोत्सव की आड़ में वसूली हो रही है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वो करना चाहिए, मैं करके कोशिश करने की अपनी कोशिश है। कहाँ कहाँ से वसूली हो रही है, इसे आपको जो सूचनाएं मिल रही है? बहुत सारे विभाग हैं, सभी जितने इंस्पेक्टर राज वाले मामले हैं सभी की आड़ में ये वसूली हो रही है। आप बहिष्कार कर रहे हैं इसका? मैं इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहा हूँ। पिछले साल से आप बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला, आपकी सरकार है। मैं सहमत हूँ, पिछली बार भी मैंने बहिष्कार किया। मेरा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है कि जो किसानों का बकाया हो और उसके अलावा मैं बस्ती महोत्सव का हिस्सा बनूं, सबसे ज़्यादा हिस्सा मेरी ही विधानसभा का इन बकायेदारों से प्रभावित है। तो मैं गन्ना किसानों की आड़ में उनके दुख के साथ जुड़ने के बाद इस महोत्सव का हिस्सा नहीं बन सकता। महोत्सव कल से शुरू हो रहा है, विरोध एक दिन पहले, ऐसा क्यों? महोत्सव के विरोध का जो समय है वो तो एक साल पहले भी हुआ था, एक साल पहले हुआ था, तब भी एक दिन पहले ही हुआ था, इस बार भी एक दिन पहले हो रहा है। तो क्या एक साल तक आप इंतजार कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे गन्ना किसानों की, आज भी आंदोलन हो रहा है। डीएम कहते हैं, जिलाधिकारी कहते हैं कि इसमें बहुत सबका सहयोग मिल रहा है, क्लाउड फंडिंग भी आ रही है और पैसा भी लोग दे रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति भी दे रहे हैं। मैं सहमत हूँ, अगर वो दे रहे हैं तो श्वेत पत्र जारी कर दे। अगर इंस्पेक्टर राज का दुरुपयोग नहीं है तो उसका श्वेत पत्र जारी कर दे। तो क्या आप तक कुछ ऐसी सूचना आई कि कितना वसूली की जा रही है, किन 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 से, जिन जिन विभागों से वसूली है उसकी पूरी सूची है, मैं प्रेस के माध्यम से उसको जारी कर रहा हूँ। विधायक जी, क्या मुख्यमंत्री जी से आपने इसकी शिकायत की? मुख्यमंत्री जी से गन्ना किसानों को लेके और उसका जो मानक है बकायेदारों की वसूली के लेके, उसकी शिकायत है और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को शिकायत दी जाएगी। डीएम ने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा है कि सब विचलित हो सकता है, मैं पराजित नहीं, उसका क्या है? मैं भी खुश हूँ कि सत्य विचलित होता है, सत्य पराजित नहीं होता है। तो अगर उन्हें लगता है कि सत्य पराजित नहीं होता है तो मेरे आरोपों का श्वेत पत्र जारी कर दें और जनता भी खुश हो जाएगी, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। आपका मानना बड़े पैमाने पे इस पे भ्रष्टाचार हो रहा है? इस तरह बिल्कुल हो रहा है। कितना लगभग महोत्सव का खर्च जाएगा, जो आपके अनुमान था, जो वसूली हो रही है खर्च में, क्या अंतर है? अब वो 6 दिन का अगर महोत्सव है तो पहले वो उसका बताएं एस्टिमेट कि हमने कितने का एस्टिमेट बनाया, उनके पास कहां से पूंजीपतियों ने पैसा दिया, कहां से उसे क्राउड फंडिंग मिल रही है, क्या वो क्राउड फंडिंग और पूंजीपतियों की फंडिंग उस लक्ष्य को पूरा कर पा रही है। डीएम का कहना है कि जनसहभागिता और विभाग, सरकारी विभाग, कॉर्पोरेशन, बैंक और कई विभाग जो है वो इसके स्पॉन्सर से निभा रहे हैं। तो स्पॉन्सर से निभा रहे तो श्वेत पत्र जारी कर दे, डर क्यों रहे हैं? तो आपके पार्टी के 4-4 विधायक और सांसद हैं, उन्हीं के साथ हैं, तो क्या ये माना जाए वो लोग इसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? मैं अपनी जनता की आवाज़ को उठा रहा हूँ। भ्रष्टाचार का आरोप जिसके ऊपर है उसके ऊपर है, कोई किसी के सहमति दे सकता है, कोई किसी को असहमति दे सकता है, सहमति असहमति के बीच में कोई विवाद नहीं है। मेरी असहमति है, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। महोत्सव के नाम पे जो पैसा वसूल रहे हैं, मतलब नीचे से पब्लिक पे उसका असर पड़ेगा, आपका कहना है? बिल्कुल पड़ेगा। पैसा अगर निकाला जाएगा तो पैसा कहाँ से ले रहे हैं, किसको वसूल के देंगे पैसा? क्या माना जाए जो सहयोग का नाम आ रहा है वो डर के सब लोग कर रहे हैं? बिल्कुल डर के कर रहे हैं, नहीं तो इंस्पेक्टर राज जैसी व्यवस्था के उत्पीड़न के आड़ में आप पैसा कैसे वसूल पाते हैं? नहीं तो चंदा अगर आप लेते तो आप बाजार में घूमिए, आपको क्राउड फंडिंग में पता चल जाएगा कितना चंदा मिल सकता है।
कितने व्यापारी आप सूची जारी करते हैं, इतने व्यापारियों की सूची है, मैंने इतना 1 करोड़ इकट्ठा किया या 2 करोड़ इकट्ठा किया, सूची क्यों नहीं जारी कर रहे? मतलब अवैध वसूली को जनसभा कह रहे हैं कि सहयोग जनता कर रही है? अब वो कह रहे हैं ना, तो वो स्पष्ट करें। हम तो कह रहे हैं कि इसमें उत्पीड़न हो रहा है, इसमें लोगों का शोषण हो रहा है।